जय माता दी गाइस, कैसे हो सब दोस्तों। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं घर से अकेला निकला हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। मैं पिछले 3-4 महीनों से सोच रहा हूँ कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो कोई मेरे साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। कोई बोलता है सैटरडे को चलेंगे, कोई बोलता है मंडे को चलेंगे, कोई बोलता है अगले महीने चलेंगे। फिर मैंने सोचा इन्होंने तो जाना ही नहीं, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। एनीवे गाइस, आगे जाके और भी व्यू दिखाता हूँ आपको। जय माता दी। जय माता दी गाइस, अभी मैं रास्ते में हूँ, तो रास्ते में थोड़े थोड़े व्यू दिखाता जाऊँगा आपको। ये देखो दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, लाइटिंग दिखा रही है, कटरा का व्यू है तो सामने। दोस्तों मैं जब भी माता रानी के दरबार जाता हूँ, हमेशा शाम को ही घर से निकलता हूँ। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि जम्मू के लोग हमेशा शाम को ही निकलते हैं, वो भी सैटरडे को शाम को निकलते हैं, क्योंकि दूसरे दिन संडे होता है और छुट्टी रहती है बच्चों को भी। अभी मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह आती रहती है तो फिर बाद में भीड़ हो जाती है ज़्यादा, तो जल्दी ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से अभी 2.5-3 किलोमीटर रह गया है भवन, और चलो ठीक है गाइस, निकलते हैं फिर। जय माता दी। और ये साहब क्या कर रहे हैं, ये तो एंजॉय कर रहे हैं माजा को। सो फाइनली गाइस, माता रानी के दर्शन तो मैंने कर लिए, तो अभी यहाँ का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ आपको। वहाँ लाइनें लगी हुई हैं।
जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि भवन के अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है, तो वहाँ की रिकॉर्डिंग तो मैं कर नहीं सकता। और बस अभी आगे जाके मैं काफ़ी लूँगा, उसके बाद रेस्ट करूँगा, फिर सीधा घर की ओर जाना है। और ये अभी आप जो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता उनको दिखाना चाहता हूँ, ये भवन है, इसी को भवन बोलते हैं। यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ आपको, बस अब जाते टाइम थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो सामने भवन दिख रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है। पूरे चीज़ दिखाता हूँ यार, कितनी दूर किसी ने मकान बनाया हुआ अपना, नीचे काफ़ी नीचे है। मैं जूम कर रहा हूँ, तस्वीर साफ नहीं आ रही। देखो पीछे आता हूँ, देखो कितनी दूर है ये। ओह वाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।